हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द फार्मासी इंडिया तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स की तो इन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को अगर हम एक शानदार से निमोनिक्स के साथ याद करने की कोशिश करें तो ये तो फिर ये हमारे एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लोकल एनास्थेटिक में फर्स्ट वी हैव लोकल एंड एनास्थेटिक लोकल मीन्स पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए बॉडी मतलब हमारे बॉडी में जो पर्टिकुलर एरिया होता है एंड एन मतलब तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर उसको इंजेक्ट करें तो फिर वहां पे हमारे रिवर्सिबल लॉस ऑफ परसेप्शन होता है तो ये हम कब यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टूथ का एक्सट्रैक्शन या फिर टूथ पे कोई सर्जरी करनी हो तो फिर हम वहां पे टूथ पे

इन ड्रग्स के पहले वर्ड्स को पहले लेटर को हम लेके हमने ये निमोनिक्स बनाया कि दिल्ली वाली ट्रेन रुकी मुंबई में दिल्ली मतलब टाइब्यूकेन वाली मतलब बिपेवाकेन ट्रेन मतलब टेट्राकेन रुकी मतलब प्रोपीवाकेन एंड मुंबई मतलब मैपीवाकेन तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं सरफेस एनेस्थेटिक में हमारे पास है लिडोकेन वेनोक्सिनेट टेट्राकेन एंड कोकेन इसको हम याद रख सकते हैं लिडो और बेंन सिटी घूमने गए लिडो मतलब लिडोकेन बेंन मतलब वेनोक्सीड सिटी मतलब कोकेन एंड देन नेक्स्ट टेटर एनर्थेटिक में वी हैव सोलिबल ड्रग्स जो कि है बेंजोकेन ब्यूटाइल अमाइनो अमाइनोबेंजोड एंड ऑक्सीथेन इसको हम याद रखेंगे बॉब इज इनसॉलेबल तो सर्फेस एनर्थेटिक में ये कौन से क्लास में आता है इनसॉलिबल वाले क्लास में आता है और इसके ड्रग्स हैं बॉब मतलब बेंजोकेन ब्यूटाइल अमाइनो अमाइनोबेंजोड एंड ऑक्सीथेन तो इसको हम याद रख सकते हैं जो स्पॉन्ज होता है स्पॉन्ज बॉब जो है वो पानी में घुलता नहीं है वो इनसॉलिबल है तो फिर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं सो दिस वॉज ऑल गाइज थैंक यू सो मच आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा